वैसे तो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर बाबा महाकाल की नगरी है, जहाँ पर बाबा महाकाल का ही राज चलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से उज्जैन में जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां बहुत ही तेजी से देखने को मिल रही, उससे पूरे उज्जैन शहर में अपराध अपने चरम पर पहुंच चुका है। और आए दिन उज्जैन में ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जिससे आमजन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ऐसे उज्जैन में दुर्लभ कश्यप नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था, जिसकी कहानी हम आपको कई बार बता चुके हैं। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। दुर्लभ कश्यप जिस तरह से उज्जैन में अपना आतंक फैला चुका था, उसके बाद से उज्जैन में आपराधिक गतिविधियां बहुत तेजी से देखने को मिली, जैसे लूट, हत्या, चोरी, और उसके बाद एक के बाद एक कई गैंगस्टर उज्जैन में सक्रिय होने लगे और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगे। इसी उज्जैन में दुर्लभ कश्यप का एक और गैंगस्टर साथी, वो भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया करता था, जिसका नाम है बोखला बदमाश उर्फ हेमंत वाड़िया, जो अभी जेल में सजा काट रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है कुख्यात बदमाश हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश, जो दुर्लभ कश्यप से भी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। नाम हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश, पिता का नाम गब्बर वाड़िया, उम्र 24 साल, पेशा अपराध, जुर्म हत्या, लूट, चोरी, संगीन मामले 30 से भी ज्यादा, जिसमें 302 रसूखा जैसे बड़े मामले भी शामिल है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इसका नाम है कुख्यात गैंगस्टर हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश। इसकी उम्र तो 24 साल है, लेकिन इसके अपराध की गिनती इसकी उम्र से कहीं भी ज्यादा। दुबले पतले से दिखने वाले इस गैंगस्टर के ऊपर दुर्लभ कश्यप से 2 गुना ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश, जो कि उज्जैन के विष्णुपुरा इलाके का रहने वाला है और कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का पक्का साथी भी था, हेमंत वाड़िया और दुर्लभ कश्यप ने एक साथ मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये तो एक घटना है, और ऐसी करीब 30 घटनाएं हेमंत वाड़िया ने घटित की हैं, और उसके ऊपर ये सभी मामले चल रहे हैं। हेमंत वाड़िया इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बदमाश बन गया था कि पुलिस ने इसके ऊपर कई हजार का इनाम रख दिया, लेकिन पुलिस कभी से पकड़ नहीं पाई। हेमंत वाड़िया ने जब देखा कि पुलिस बहुत ही शिद्दत से उसका पीछा कर रही है, उसकी तलाश कर रही है, तो वो आज नहीं तो कल पुलिस के चंगुल में फंस जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, और उस दिन से लेकर आज तक वो जेल में सजा काट रहा है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जेल में रहते हुए भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, और जब उसका साथी दुर्लभ कश्यप जमानत पर जेल से बाहर आया था, तो हेमंत वाड़िया ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दुर्लभ कश्यप को बधाई भी दी थी। हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश के पिता गब्बर वाड़िया के बारे में कहा जाता है कि उसके पिता गब्बर वाड़िया भी अपने जमाने के बदमाश थे। उनका भी सिक्का कभी शहर में चलता था, लेकिन जिस तरह से हेमंत वाड़िया बदमाशी की दुनिया में उतरा है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बचपन से अगर रास्ता गलत हो जाए तो आगे का पूरा जीवन दलदल में ही जाता है। ऐसा ही कुछ हेमंत वाड़िया के साथ यहाँ पर देखने को मिला। हेमंत वाड़िया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे जरूर बताइएगा।